loving watching this. But, oh! RKO! Cena's going to win over the RKO and he kicks out! Hello friends, welcome to our channel, Wrestling Talk. तो गाइस WWE में हर सुपरस्टार के पास एक या दो फिनिशिंग मूव होते हैं और कई बार ये मूव इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि फैंस सोचने लगते हैं कि इस मूव को इन्वेंट भी उसी सुपरस्टार ने किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने अपने फिनिशिंग मूव को किसी और सुपरस्टार से कॉपी किया है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी दो वीडियो बना रखा है, अगर आपने इस वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, स्टाइल्स क्लैश। एजे स्टाइल्स मॉडर्न एरा के वन ऑफ द बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर माने जाते हैं। वो रिंग में ऐसे मूव करते जो शायद कोई और ना कर पाए। कई फैंस को ऐसा लगता है और एजे स्टाइल्स खुद ये कहते हैं कि स्टाइल्स क्लैश को इन्वेंट उन्होंने ही किया है, लेकिन असल में इस मूव को इन्वेंट कर्नल डिबियर्स ने किया था जिसे वो अपने फिनिशर के तौर पर यूज किया करते थे। हालांकि इस मूव को करते समय वो एजे स्टाइल्स की तरह अपोनेंट रेसलर के हाथों को लॉक नहीं करते थे, वो डायरेक्ट अपोनेंट सुपरस्टार को मैट पर हिट करते थे। यहां तक कि एजे स्टाइल्स से पहले ये मूव डायमंड डैलस पेज यानी DDP भी यूज किया करते थे और DDP भी इस मूव में अपोनेंट सुपरस्टार के हाथों को लॉक नहीं करते थे। बाद में एजे स्टाइल्स इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज करने लग गए स्टाइल्स क्लैश के नाम से। नंबर 5, 450 स्प्लैश। 450 स्प्लैश मॉडर्न रेसलिंग का काफी पॉपुलर मूव है जिसे एजे स्टाइल्स, कलिस्टो, नेविल, मुस्तफा अली जैसे कई बड़े सुपरस्टार यूज करते हैं। इस मूव को नॉर्मली हाई फ्लाइंग सुपरस्टार करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूव को इन्वेंट स्कॉट स्टाइनर ने किया था। स्कॉट स्टाइनर ज्यादातर अपनी शानदार फिजिक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने अर्ली करियर में वो काफी शानदार एथलीट थे। स्कॉट स्टाइनर ने 80s में 450 स्प्लैश को इन्वेंट किया था, हालांकि उस समय किसी को इस मूव का नाम नहीं पता था। बाद में जब इसे टू कॉल्ड स्कॉर्पियो ने पॉपुलर किया तब लोगों को पता चला कि असल में ये 450 स्प्लैश है जिसे स्कॉट स्टाइनर पहले इन्वेंट कर चुके हैं। नंबर 4, पावर बॉम्ब। पावर बॉम्ब प्रोफेशनल रेसलिंग का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूव है जिसे कई सुपरस्टार जैसे अंडरटेकर, बटिस्टा, केविन ओन्स, कीथ ली यूज करते हैं। हालांकि इस मूव को फेमस केविन नैश और साइको सिड ने किया था, लेकिन अगर बात करें कि इस मूव को इन्वेंट किसने किया तो इस मूव को इन्वेंट लूथेज ने किया था। लूथेज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर माने जाते हैं, लेकिन असल में उन्होंने ये मूव एक्सीडेंटली इन्वेंट किया था जहां वो एक मैच के दौरान अपने अपोनेंट सुपरस्टार पर पाइल ड्राइवर लगाने जाते हैं, लेकिन गलती से वो अपने अपोनेंट एंटोनिनो रोको को पीठ के बल गिरा देते हैं और इस तरह उन्होंने पावर बॉम्ब को इन्वेंट किया था। हालांकि उस समय तो ये एक बॉच मूव था। नंबर 3, मूनसॉल्ट। मूनसॉल्ट प्रोफेशनल रेसलिंग का वन ऑफ द बेस्ट हाई फ्लाइंग मूव है और WWE में कई सुपरस्टार इसे यूज करते हैं जिसमें शार्लेट फ्लेयर, जॉन मॉरिसन, हम्बर्टो करियो, योशी राय शामिल है। और सबसे बड़े सुपरस्टार जो इस मूव को यूज करते हैं वो है शॉन माइकल, लेकिन इनमें से किसी भी सुपरस्टार ने इस मूव को इन्वेंट नहीं किया। इस मूव को इन्वेंट मैंडो गरेरो ने किया था। मैंडो गरेरो लेजेंडरी सुपरस्टार एडी गरेरो के भाई है। मैंडो गरेरो ने 70s में मून सॉल्ट को इन्वेंट किया था जिसके बाद इसे फेमस केजी मूटा ने किया था। नंबर 2, एटीट्यूड एडजस्टमेंट और डेथ वैली ड्राइवर। जॉन सीना ने जब WWE में डेब्यू किया था तब वो प्रोटो बॉम्ब को अपने फिनिशर के तौर पर यूज किया करते थे, लेकिन जब उन्हें टाइटल पिक्चर में डाला गया तब उन्होंने अपने फिनिशर को चेंज किया और FU यानी AA को अपने फिनिशर के तौर पर यूज करने लग गए, जो देखने में काफी हद तक ब्रॉक लेसनर के फिनिशर F5 से मिलता जुलता था। लेकिन असल में इस मूव को इन्वेंट एत्सुको मीटा ने किया था। एत्सुको मीटा ने इस मूव को 90s में इन्वेंट किया था, हालांकि एग्जैक्टली AA जैसा मूव नहीं था। एत्सुको मीटा का जो मूव था वो डेथ वैली ड्राइवर था और एटीट्यूड एडजस्टमेंट इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। नंबर 1, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर। इस मूव से जो पहला नाम दिमाग में आता है वो अंडरटेकर का है, जो इसे अपने फिनिशर के तौर पर यूज किया करते थे। इस मूव को अंडरटेकर ने इतना आइकॉनिक बनाया कि कई फैंस को ऐसा लगने लगा कि इस मूव को इन्वेंट भी अंडरटेकर ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। टूमस्टोन पाइल ड्राइवर का मॉडिफाइड वर्जन है और जैकी पालो पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने पहली बार टूमस्टोन पाइल ड्राइवर परफॉर्म किया था। जैकी पालो ने 60s में ये मूव इन्वेंट किया था, लेकिन बाद में अंडरटेकर इसे यूज करने लग गए और अंडरटेकर ने इसे इतना फेमस किया कि पाइल ड्राइवर के इस वर्जन का नाम ही टूमस्टोन पाइल ड्राइवर पड़ गया। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।